बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जिनार और मुस्तफा मस्जिद के आगे खड़े हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस अफसर महबूब कमली साहब भी हमारे साथ खड़े हैं और बाकी लोग भी खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुस्तफ़ा मस्जिद का जो बरसात के अंदर हालात हुई, जो मामलात हुए, लोगों ने देखा कि यहाँ पर पैदल चलने का रास्ता नहीं था, लोग मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते थे, यहाँ पर बड़े मामला ख़राब चल रहे थे और यहाँ पर ये हालात थे कि जो मामला यहाँ पर चल रहे थे, कीचड़, मलबा, दलदली, नाला बाहर आ गया, रोड बर्बाद थे। ये सबका चेयरमैनों की नाहली थी कि जो काम नहीं करा सके। एमपीए मैंने पीटीआई के थे, वजीर आजम उस वक्त पीटीआई का था, सदर पीटीआई का था, गवर्नर सिंह पीटीआई का था, यहाँ का एमपीए मैंने पीटीआई के थे, लेकिन वो काम नहीं करा सके। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम कराया और साबित किया सूबाई गवर्नमेंट पीएल पार्टी की, फंड पीएल पार्टी ला सकती है, काम पीएल पार्टी करा सकती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा मस्जिद बनने जा रही है। ये उन जो जो जीते हुए मुंतखब नुमाइंदे थे, ये उनको शर्म दिलाने के लिए कि तुम जीतने के बगैर जो कुछ नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम इलेक्शन में आए और बगैर जीते हुए हम ये काम कर सकते हैं। काम करने का जज्बा अगर किसी भी शख्स के दिल में हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाता है। हम ये काम करके दिखा रहे हैं और हमने ये साबित किया सूबाई गवर्नमेंट हमारी है, फंड हम ला सकते हैं, काम हम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे जनरल काउंसलर हैं मुस्लिम लीग नून के असलम भाई, इन्होंने भी जिस तरीके से भरपूर हमारे एक सपोर्ट का ऐलान किया और यानी कि हमारे कामों को सराहा, तो ये एक बड़ी चीज़ है। असलम जमा रहा है, बड़ी तकलीफ थी हमारे लिए, हमने इससे इंतजार की कि यार इनको उनको बुलाओ, इन्होंने हमारी हामी भरी और ये काम आज शुरू हो गया। अल्लाह पाक बता दें, अल्लाह पाक के खैर अता फरमाए। आपने बिल्कुल बजा तौर पर सही फरमाया कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल पार्टी की है और हमारा फंड जो है ना वो शेर शाह का अगर कोई ला सकता है तो वो मसूद अब्बासी भाई है। हम आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे और ये हमारे तरक्याती काम चलते रहे। इसी से हमारी रौनक है, इसी से हमारा मोहल्ला आबाद है। अगर ये हमारा मोहल्ला बनेगा तो इज्जत हमारी है, नहीं तो ये जो हालात हमने दो तीन महीने देखे तो मैंने कम अज़ कम शेर शाह से 60-70 आदमी जो है ना इन दो महीने के अंदर जो शेर शाह छोड़ के चला गया और हमारे अपनी फैमिली के बंदे गए और जिसमें मैं खुद शामिल हूँ कि मैं भी अभी शेर शाह छोड़ दूँ। तो बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारा रोड बना रहे हैं। अल्लाह ताला हम आपके लिए दुआ गो भी है और आपको जो है ना अल्लाह ताला खिदमत का जज्बा दे। इस वक्त जो है जिना रोड पे चूँकि मेरी क्लिनिक भी है और जिना रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मसूद अब्बासी की मेहनत और काविशों से आज मुस्तफ़ा मस्जिद के करीब ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और आज जो है खाका गिरा दिया गया है और इंशाल्लाह ये काम जो है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएगा, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है, फंड पीपल्स पार्टी ला सकती है। आप लोगों को मालूम है, हमने कई बार ये मामला हाईलाइट किया कि यहाँ सेवरेज का बड़ा निज़ाम धरन भरा है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन मसाजिद का रास्ता है, मुस्तफ़ा मस्जिद, मदनी मस्जिद, सुबहानी मस्जिद। इससे पहले भी हमने मुंतखब नुमाइंदों से रिक्वेस्ट की थी कि सर ये मामला हमारा देख लें, ये आने जाने के लिए मस्जिद के मामला थे, मजहबी मामला थे, इसको देख लें, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ये छोटा सा मसला है, हमारे से बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आखिर में क्या हुआ, हमारे को लॉलीपॉप दी। किसी ने मसूद अब्बासी साहब से बताया कि सर वहाँ पे बड़े मसाजिद के मामला ख़राब है, ये हमारे पास आए खुद चल के, इन्होंने कहा कि मुझे बताया क्या मामला है, इन्होंने यहाँ के मामला दे के हमने इनसे रिक्वेस्ट की, मोहतबाना रिक्वेस्ट की कि सर ये मस्जिद के मामला है, ये हमारे सीधे कर दें। तो इन्होंने फौरी तौर पर हमारे से वादा किया कि सर ये तमाम सेवरेज का निज़ाम, यहाँ की कारपेटिंग का, यहाँ की गलियों का सेवरेज का निज़ाम इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी के ऊपर इंशाल्लाह मैं सही करवा दूंगा।